अब एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें पाया जाता है? स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली या तो फ्लोरीन वाले मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन वाले मॉलिक्यूल, और साथ में उसके साथ हाइड्रोजन तो होना चाहिए क्योंकि इसका नाम ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगा और साथ में हाइड्रोजन कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, उसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अच्छा खासा हाई होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाते हैं, याद कर लो, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, ऑक्सीजन की सेकेंड हाईएस्ट होती है और नाइट्रोजन की थर्ड हाईएस्ट होती है। इसके अलावा कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं बनता कैसे है, जरा आप उसको चेक कर लो। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, वो भी सिर्फ स्पेशली फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसको बनाते हैं। मैं अगर आपको इसको बना के दिखाऊं तो पानी के, मैं आप लोगों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा देता हूं। पानी में सबको पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और बाकी दो आपको हाइड्रोजन दिखाई देते हैं। अब यहां पर दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में होगा, क्योंकि पता है कि ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, समझ में, सॉरी, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होगा, ये साइन गलत बन गए, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और यहां पर मजे की बात ये कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी बहुत है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, आया समझ में? तो बेसिकली ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, जो कि कौन बनाता है, पूरी सदियों में सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही बनाता है, उसके अलावा कोई नहीं बनाता। सबको समझ में आया?